आधारित प्रकृति खेती कार्यशाला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में होंगे शामिल। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी कार्यशाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम शुरू होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। लखनऊ राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जो एक अहम पहल की जा रही है। संवाददाता संदीप इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज का यह क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, आज लगभग 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये गौ प्राकृतिक की जो कार्यशाला है, एक दिवसीय कार्यशाला है, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद रहेंगे। हालांकि आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करी है। इस कार्यशाला को अगर समझते हैं त्रिशला, तो किसानों को किस तरीके से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से इनको लेकर उसको अवेयर किया जाए। और आपको बता दें कि इस कार्यशाला में 1000 से ज्यादा किसान, कृषि वैज्ञानिक तमाम लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर इनको जानकारी देगी कि गौ प्राकृतिक जो खाद है या फिर गौ प्राकृतिक जो कृषि है, उससे आगे आने वाले समय में फसलों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। लगातार सरकार द्वारा इस प्रयास किए जाते रहते हैं कि किसानों को किस तरीके से सस्ती फसल, सस्ती खाद, तमाम ऐसी चीजों को उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया करा सके, इसी दिशा में एक ये बड़ा कदम है। इसके पहले हालांकि तमाम तरीके की कार्यशाला होती थी, लेकिन किसानों को लेकर जिस तरीके की यूपी सरकार में कार्यशाला हो रही है, ये सराहनीय है। किसान उत्साहित हैं। किसान देखिए आज भी वही पुरानी पद्धति का उपयोग करते हैं जो काफी महंगी होती है और कहीं ना कहीं से उनकी फसलों को नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से सरकार अपने दायरे को बढ़ा रही है, तमाम चीजों को बढ़ रही है, देश हमारा मॉडर्न हो रहा है, उसी के चलते इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों की फसल ना खराब हो, कम पैसे में उनको ज्यादा मुनाफा मिल सके और जो भी वो फसल उगाते हैं वो अपने समय से उगे, अपने समय से वो उसको मार्केट में सेल कर सके और उसके बाद अपना घर परिवार का वो पोषण कर सके। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, ये अच्छी एक पहल है ऑर्गेनिक खेती के लिए भी। आपका शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे।